गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने जो है कंपाउंड इंटरेस्ट फुल्ली कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन में हम एक्सरसाइज 3A से स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं, हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है निकालने के लिए। आइए चलिए, एक्सपेंड द फॉलोइंग, इसको हमें एक्सपेंड करना है। देखिए इसको एक्सपेंड करने से पहले स्टूडेंट हम आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पहले बताना चाहते हैं। देखिए अगर ये लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका हम जब एक्सपेंशन करते हैं तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। अब हम इस प्रॉब्लम को आगे देखते हैं, 3a प्लस 5b होल स्क्वायर, 3a प्लस 5b होल स्क्वायर। देखिए फर्स्ट क्या है, a का स्क्वायर, a के प्लेस पे 3a है, 3a तो 3a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर है क्या है 5b, फिर 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 3a इंटू 5b, 3a होल स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 25, बी स्क्वायर प्लस, देखिए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, तो ये जाएगा 30ab। क्लियर है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जो एक्सपेंशन यूज़ किया है वो यूज़ किया है a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया, बहुत इजी है, a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये है, ठीक है। आगे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएगा वैसे वैसे देखते जाएंगे। देखिए फाइनली क्या है, 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 30ab। क्लियर। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ है, 4a माइनस 7b होल स्क्वायर। इसको करने के लिए अब हम एक्सपेंशन यूज़ करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये मेरा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फार्मूला है मेरा, ठीक है ना। देखिए 4a माइनस 7b होल स्क्वायर, ए के प्लेस पे 4a है तो 4a का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी के प्लेस पे 7b है, माइनस 2 इंटू ए 4a, बी के प्लेस पे 7b, 4a का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किया 16 और ये a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर 49, बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 8 7 56 ab। तो जो फाइनली आया 16a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर माइनस 56 ab, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है ना, आइए देखिए क्या है, 2a माइनस 5b का होल स्क्वायर क्या है। देखिए 2a अपॉन 5b माइनस 5b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इसको एज ए ट्रीट करेंगे, इसको एज अ बी, देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस, फिर बीच में माइनस है तो माइनस 2ab, 2 इंटू 2a अपॉन 5b इंटू 5b अपॉन 2a। क्लियर है। देखिए 2a का होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 25b स्क्वायर, ये हो जाएगा 25b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है ना।
अब देखिए इसमें से अगर जो कैंसिल हो रहा है तो जो कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। देखिए 2a 2a 5b 5b क्या बच गया, माइनस टू। फाइनली जो आ गया वो 4a स्क्वायर अपॉन 25b स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस टू। क्लियर है स्टूडेंट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए क्या दिया है, 2ab प्लस 3cd का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा देखिए, 2ab का होल स्क्वायर 3cd का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2ab इंटू 3cd, 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, 2 टू 4, 4 3 जै 12, 12 ए बी सी डी। क्लियर है स्टूडेंट। यही मेरा फाइनल आंसर है। देखिए क्या है, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9 सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 12 ए बी सी डी। क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। चलिए 2a क्यूब प्लस 5b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है ना, ये एज अ ए है, ये b, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब आइए इसको हम लोग जो है करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर किया मेरा कितना आएगा स्टूडेंट, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर ए क्यूब का स्क्वायर है, इसका मतलब ए क्यूब इंटू ए क्यूब, ठीक, प्लस 5 का स्क्वायर किया 25, और बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 5 इज 20, 20 ए क्यूब बी स्क्वायर, 4 बेस वैल्यू सेम है, ठीक है ना, यानी यहाँ पर भी ए है यहाँ पर भी ए, तो पावर्स को ऐड कर देंगे, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 25 बी टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 ए क्यूब बी क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट। देखिए फाइनली क्या आ गया, 4 ए टू द पावर ऑफ 6 प्लस 25 बी टू द पावर ऑफ 4 प्लस 20 ए क्यूब बी स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये फिफ्थ पार्ट भी हो गया, आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कह दिया माइनस टू ए माइनस फाइव बी। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए माइनस टू ए अगर हम ऐसे कर दें क्लियर है, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या किया, माइनस यहाँ से कॉमन लिया और 2a, जब माइनस कॉमन ले लिया तो 2a प्लस 5b हो गया, अभी स्क्वायर लगा हुआ है। देखिए अब क्या होगा, इसी का हमें स्क्वायर करना है। तो देखिए एक तो हमें इस पूरे टर्म का स्क्वायर करना होगा, ठीक है ना, दूसरा ये जो निगेटिव साइन है इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए जब माइनस इंटू माइनस कर देंगे, टू बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास सिर्फ बचेगा 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर, यही बचेगा स्टूडेंट। अब चलिए इसका स्क्वायर कर देते हैं सीधा सीधा, ठीक है ना,
क्योंकि देखिए ये माइनस है, यहाँ पे अगर आपने माइनस और इनटू माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो वे लिखना ही नहीं है प्लस को, ठीक है ना। 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है स्टूडेंट। टू इंटू ए इंटू बी, टू का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 25b स्क्वायर, 2 टू 4, 4 इंटू 5 इज 20, देखिए क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर 25b स्क्वायर प्लस 20a स्क्वायर b स्क्वायर, क्लियर है स्टूडेंट। ये फाइनल ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चलिए आइए, अब देखिए क्या है हमें, इवैल्यूएट यूजिंग अलजेब्रिक फार्मूला, यानी जो अलजेब्रा के आइडेंटिटीज फार्मूले हैं उसकी हेल्प से हमें इसे करना है, ठीक है ना। चलिए ये लिखा है 104, देखिए 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और ये होल स्क्वायर, 100 में 4 ऐड कर देंगे 104 आ जाएगा। अब इसको एज ए ट्रीट करेंगे, इसको एज ए बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू 4, 100 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 12340 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 100 इज 200, ठीक है ना, और 200 इंटू 4 इज 800, क्लियर है। देखिए इसको ऐड कर लीजिए, देखिए क्या लिखा है, 10000, 100 800 प्लस 16 ये हो जाएगा 816, क्लियर। ऐड कर लीजिए इसको, देखिए क्या हो जाएगा, 10816, क्लियर। ये हमारा फाइनल आंसर है 10816। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए क्या दिया है, 99 का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू 1 हो जाएगा 10, ठीक है ना, प्लस 1 माइनस 200, देखिए ये क्या हो जाएगा, 10001 हो गया ये, अब माइनस 200, ठीक है ना। कहीं रफ में आप इसको माइनस करके चेक कर लें, ठीक है ना। आइए देखिए फटाफट कैसे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। देखिए क्या है, 10001 200 माइनस ये आ गया 1, ठीक है ना। तो 0 माइनस 0 इज 0, 10 माइनस 2 इज 8 और ये ऐसे 9 बच जाएगा, कितना गया स्टूडेंट, 9801, कितना गया स्टूडेंट, फाइनली मेरा कितना आया, 9801, ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए अब क्या दिया है, 10.2, देखिए 10.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 10 इंटू 0.2, देखिए क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 0.2, वैसे 0.2 इंटू 0.2 ऐसे है, ठीक है ना, प्लस
हो जाएगा 20 इंटू पॉइंट टू, चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये 100 हो गया, ये हो जाएगा 0.04। अभी आपको करके दिखाते हैं, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना। इसको आप चाहें तो देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई के लीजिए, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, जीरो जीरो कट गया, टू इंटू टू करें कितना जाए, फोर, ठीक है ना। 100 प्लस जीरो 0.04 प्लस फोर, देखिए 100 में 4 ऐड करें क्या हो जाएगा, 104 प्लस 0.04, ये आप करेंगे 10, ठीक है ना, उसके बाद 4.04। क्लियर है स्टूडेंट, ये हमारा इसमें जो है फाइनल आंसर है। अब चलिए आइए इसको आपको इसका रफ वर्क थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है ना। आइए, वैसे तो बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए क्या है, 0.2 इंटू 0.2, 2 2 4, 0 0 0, 1, 2 डिजिट के बाद पॉइंट इस साइड से काउंट करेंगे, 1 2, क्लियर है। बाकी का चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए क्या दिया, 9.7, 9.7 को क्या लिखा जा सकता है, 100 माइनस 0.3, जस्ट मिनट स्टूडेंट, 9.7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस 0.3, ठीक है ना, ठीक है ना। 10 में से 0.3 माइनस कर देंगे, 9.7 मिल जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 0.3 इंटू करेंगे 0.3 का स्क्वायर, यानी 0.3 इंटू 0.3 माइनस 2 इंटू 10 इज 20 इंटू 0.3, पॉइंट हटाया 10 बढ़ा दिया, ठीक है ना, 0 0 कट गया। देखिए 100 प्लस 0.09 माइनस 2 3 6, ठीक है ना। देखिए जितने प्लस वाले उनको ऐड कर लें, फिर इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। देखिए 100 में 0.09 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100.09, ठीक है ना। इसमें से 6 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 100 माइनस 6 आप करेंगे कितना हो जाएगा, ये तो 0.09 है, ठीक है ना। देखिए 100 माइनस 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 94.09, क्लियर है स्टूडेंट। तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो 94.09 आया है। अब आइए आपको थोड़ा सा इसका रफ वर्क भी दिखाते हैं। देखिए पॉइंट, पहली चीज़ तो पॉइंट को पॉइंट के नीचे ऐड करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। 6 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ माइनस होगा। 10 माइनस 6 इज 4 और ये 9, क्लियर है। तो ये मेरा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए स्टूडेंट अब क्या लिखा हुआ है, 99 स्क्वायर, ठीक है ना, यानी ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर है मेरा, और ये लिखा है 2ab, यानी 2 इंटू 99 इंटू 1, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 99 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर इस चीज़ को एक्सपेंड करेंगे तो यही चीज़ मिल गया है, यानी इसका एक्सपेंशन ये दिया हुआ है। तो 99 प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 100 क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, और जब 100 का स्क्वायर करेंगे क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4, क्लियर है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है ना, ये मेरा फाइनल आंसर है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, देखिए
ए स्क्वायर ये दिया हुआ है, प्लस ये बी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, प्लस टू ए बी, टू इंटू ए इंटू बी, क्लियर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए के प्लेस पे 4.8 है, बी के प्लेस पे क्या है 0.2 है, ऐड कर दीजिए। 4.8 में 0.2 जोड़ेंगे, देखिए तो ये आपको हो जाएगा 0.8, 0.2 जोड़ेंगे 0, कैरी 1, 5, कितना हो गया 5, 5.0 मीन्स 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा स्टूडेंट 25, कितना मिल जाएगा 25, तो 25 हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। रेफर करने के लिए वैसे तो बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी देख लें, देखिए क्या है, 4.8 प्लस 0.2 दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 4.8 एंड 0.2, ठीक है ना, 5 आ गया, और 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना मिल जाएगा 25, कितना मिल जाएगा 25। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो कि हमने कंप्लीट किया, ठीक है ना। इससे आगे के प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।